भाई मैंने अपने परिश्रम से, मैंने अपनी ताकत से अपनी एक पहचान बनाई है। किसी जी के जिसके ऊपर आशीर्वाद है वो फलता फूलता है, जिसके ऊपर से आशीर्वाद हट जाता है वो जमीन पर आ जाता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विशेष आशीर्वाद और कृपा से उनको राज्यसभा में 2 बार नामित किया गया। रूप में रहेंगे, कार्यकर्ता के रूप में रहेंगे, जैसे भी रहेंगे, लेकिन आज जेडीयू में हैं। नमस्कार, इनसाइड लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं अनामिका। दिल्ली में मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद पटना लौटे आरसीपी सिंह को लेकर के तमाम तरह की बातें जो है वो हो रही है। आरसीपी सिंह वो नाम जब एक वक्त था जिनका पार्टी के अंदर तूती बोलती थी। आरसीपी सिंह का जेडीयू के अंदर काफी ज्यादा वर्चस्व भी था। आरसीपी सिंह की गिनती जो होती थी जेडीयू में, वो नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 पर होती थी। पार्टी में नीति निर्धारक की भूमिका निभा चुके हैं और नीतीश कुमार के कई अहम फैसलों में आरसीपी सिंह का काफी बड़ा योगदान रहा है। 1998 से आरसीपी सिंह जो है वो नीतीश कुमार से जुड़े रहे हैं और यहां तक कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की भूमिका निभाई है। अब वही आरसीपी सिंह की हालत ये हो गई है कि उसी पार्टी के अंदर जिसके जो मन में आ रहा है वो कह रहा है आरसीपी सिंह को लेकर के। सिर्फ इसलिए कि आरसीपी सिंह आज किसी पद पर नहीं है, आज मंत्री नहीं है, उन्हें राज्यसभा का टिकट नहीं मिला और इसको लेकर के अब तमाम तरह की जो बातें हैं वो हो रही हैं। पार्टी में परिवारवाद जो है वो पूरी तरीके से हावी दिख रहा है और हालात ये है कि जो भी नीतीश कुमार की, जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चरण वंदना कर रहा है वो फल फूल रहा है, यानी कि उनका आशीर्वाद जिसके ऊपर है सिर्फ वही इंसान पार्टी के अंदर फल फूल सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि खुद जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी कह रहे हैं। आप पहले सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी। कौन पार्टी में, कहाँ पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने ऐसी क्या भूमिका अदा की? बोलने के लिए तो बोलते हैं लोग कि हमने परिश्रम किया है, हम भी बोल सकते हैं कि हमने बहुत परिश्रम किया इसलिए यहाँ पर पहुँचे हैं, तो बोलने की बात है। लेकिन जितना नीतीश जी की बिना कृपा के जो पद उनको मिला या जो प्रतिष्ठा उनको मिली पार्टी में, कौन ऐसा है इस पार्टी में कि माइक लगा करके घूम जाइए कि आज आरसीपी सिंह जी का कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है, अब 5,000 या 10,000 आदमी जुट जाएगा? ऐसा है कोई नेता क्या नीतीश जी को छोड़कर इस पार्टी में? कोई आदमी ये कहे कि हमने अपने परिश्रम से किया है, हमने सब कुछ है, मेरा बाकी किसी का कोई योगदान नहीं है, ये तो हमको लगता है हास्यपद है ना। अब ठीक है, अगर नरेंद्र मोदी जी की कृपा है तो ये बात सत्य हो गया ना कि नीतीश जी के कंसेंट से मंत्री नहीं बने, ये भी बात हो गया। खुद ही बोल रहे हैं कि बिना नीतीश जी के कंसेंट के मंत्री बने, ये भी बात प्रूफ हो जाता है। नीतीश जी के कृपा से 2-2 बार राज्यसभा गए, नीतीश जी ने उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और नीतीश जी इस पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। जो भी व्यक्ति इस पार्टी में है वो नीतीश जी के कृपा से फलता और फूलता है। देखिए, बड़ी बात उन्होंने कही कि अगर आज आरसीपी सिंह जो हैं वो कहीं पर कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, किसी कार्यक्रम को करते हैं, तो क्या उनके अंदर ये बात है कि वो 5,000 या 10,000 लोगों को बुला सकते हैं? अगर नहीं बुला सकते हैं तो यही पार्टी कभी उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद कैसे दी थी? यही पार्टी उन्हें नीति निर्धारक की भूमिका में कैसे खड़ा की थी, नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 के पद पर कैसे रखी थी? ये तो बात हुई अशोक चौधरी की। इसके बाद अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जो हैं, आरसीपी सिंह ने सिर्फ इतना कहा कि भाई आज उनकी जो भी पहचान बन पाई है वो उनके परिश्रम से बन पाई है, इतना कहना भी उनके लिए गुनाह हो गया और इसको लेकर के प्रदेश प्रवक्ता को काफी ज्यादा मिर्ची लगी। सुनिए अरविंद निषाद क्या कुछ कह रहे हैं। आदरणीय आरसीपी बाबू कह रहे हैं कि जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है वह मेहनत और ईमानदारी से प्राप्त हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विशेष आशीर्वाद और कृपा से उनको राज्यसभा में 2 बार नामित किया गया और संगठन में राष्ट्रीय महासचिव संगठन का पद क्रिएट करके उनको संगठन चलाने के लिए जिम्मा दिया गया, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसी भूमिका के लिए उनका नामकरण किया गया। लेकिन आज जो बयान आ रहा है कैसा गैर जिम्मेदाराना गैर राजनीतिक बयान आ रहा है। संगठन में जिस प्रकार की बातें वो करते थे, हमारा 71 पर 2015 में था MLA, आज 2020 के चुनाव में बेहतर कुशल संगठनकर्ता के तौर पर 43 पर संगठन को पहुंचा दिया।
ये तो हमारे आरसीपी बाबू बेहतर संगठनकर्ता का परिचय दिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना उन्होंने संगठन में काम किया वह जनता दल यूनाइटेड आज भुगत रही है, इसलिए आरसीपी बाबू का यह कथन बिल्कुल असत्य है। अब देखिए आरसीपी सिंह जो हैं उनकी क्या भूमिका रहेगी जेडीयू में, इस बात को लेकर के जब उपेंद्र कुशवाहा से सवाल पूछा गया तो उपेंद्र कुशवाहा ने भी साफ कहा कि कार्यकर्ता, यानी कि अब आरसीपी सिंह जो हैं वो जेडीयू में महज एक कार्यकर्ता बन करके काम करेंगे। सुनिए उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार आ रहे हैं या जा रहे हैं ये तो कोई खबर है नहीं, मेरे हिसाब से लोग आते जाते रहते हैं, कोई खबर नहीं जी। जेडीयू में भविष्य की बात है तो जेडीयू में है बस, सब नहीं मालूम है कि जेडीयू में है, लेकिन जो कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे वो कह रहे हैं कि हम जेडीयू में नहीं आरसीपी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग जेडीयू हम लोगों ने त्याग दिया। अब खुद ही कोई कहे कि त्याग दिया तो फिर हमसे सवाल पूछने की जरूरत कहाँ है। सर अभी जेडीयू में उनकी भूमिका क्या रहने वाली है, जेडीयू में भूमिका क्या रहेगी है, बस इतनी उनकी भूमिका फिलहाल है। फिलहाल है सर, हमें कोई जिम्मेदारी देने की तैयारी हो रही है क्या? उसमें तैयारी जैसा कुछ नहीं होता है, जब पार्टी जरूरत महसूस करती है किसी भी नेता के ऊपर जवाबदेही देती है, आज की तारीख में वो जेडीयू में है ऐसा मैं समझ रहा हूँ। क्या आम नेता कार्यकर्ता की तरह रहेंगे आरसीपी सारे पदों से वो हो चुके हैं, या नेता के रूप में रहेंगे कार्यकर्ता के रूप में रहेंगे जैसे भी रहेंगे, लेकिन आज जेडीयू में है, उन्होंने जेडीयू से इस्तीफा नहीं दिया है ऐसा मैं महसूस करता हूँ। तो आपने सुना कि पार्टी के अंदर के लोग ही हैं, ये तीनों लोग जो हैं वो जेडीयू के हैं, जिसमें एक वक्त था जब आरसीपी सिंह की तूती बोलती थी, अभी भी उनके कई समर्थक हैं, अभी भी कई लोग उनके हैं, लेकिन पार्टी के अंदर के लोग जो किसी पोस्ट पर हैं, जो कोई एक ओहदा अपना चुके हैं, उन लोगों का क्या कुछ कहना आरसीपी सिंह को लेकर के आपने सुना। अब आरसीपी सिंह का अगला स्टैंड क्या कुछ होगा ये वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, नामिका को दीजिए इजाजत, नमस्कार।